सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। जिंदगी में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान खुद बनाते हैं। इंसान जैसा रास्ता बनाता है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। आज का पंचांग 27 मार्च 2021 दिन शनिवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 3:27 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:30 से 11:01 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 1:20 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 27 मार्च 2021 दिन शनिवार, आप सकारात्मक तरंगों से भरपूर हैं, लेकिन इसे औरों के साथ न बांटें। लोग आपकी सलाह का सम्मान नहीं करेंगे। रचनात्मक ऊर्जा से भरे होने के बावजूद भी चुपचाप बैठे रहना आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हो। आपकी पहचान को कोई नुकसान नहीं होगा, केवल इनमें देरी हो सकती है। ऐसे छड़ी खुशियों के चक्कर में ना पड़े जिनके आपको बाद में काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। समय सुख शांति दायक है। आप सहज तथा धैर्यपूर्ण तरीके से कार्य को संपन्न करके सफलता प्राप्त करेंगे। सरकारी कार्य निश्चित समय पर पूर्ण हो जाएंगे। अध्यात्म तथा धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से संबंध और अधिक मधुर होंगे। जीवन से संबंधित सभी बातों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसे आप थोड़े प्रयत्नों के द्वारा कर भी सकते हैं। करीबी व्यक्ति से खुशखबरी मिलने की वजह से आनंदित वातावरण बना रहेगा। मेहमानों का आना जाना घर पर भी बना रह सकता है। कारोबारियों के लिए राहत हो सकती है। दर्जियों के लिए नया काम आ सकता है। अपनी योग्यता के बारे में संदेह उत्पन्न ना होने दें। सावधानियां, इस समय आमदनी के अनुपात में खर्चों की अधिकता रहेगी, इसलिए बजट बनाकर चलें। अनावश्यक नोकझोंक तथा वाद विवाद से दूर रहें। बेहतर होगा कि अपनी वाणी और अहम को नियंत्रित रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक माहौल सुखद तथा अनुशासन पूर्ण रहेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दें। आज के दिन संबंध सुधारने और पुराने गलतफहमी को स्पष्ट रूप से दूर करने के लिए एकदम उचित है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपसे दूर हो गया था। इस बात की संभावना है कि प्यार की पुरानी दीवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे। अतीत और वर्तमान के रिश्ते का संतुलन साधना आज के दिन का सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। आपके सभी प्रयासों को एक के बाद एक सफलता मिलने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि आप अजेय हैं। आपको अपने भाग्य के इस लाभ का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप अपनी परियोजना के महत्वपूर्ण अंत के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपका संकल्प और अच्छे प्रयास बर्बाद नहीं होंगे और आप निकट भविष्य में अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। आपको इस व्यापार में अपने परिवार का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त होगा।
आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा ताकि आपका कार्य क्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। बात करते हैं सेहत की। आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य बढ़ रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आपको जल्द से जल्द इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधित कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर दिखेगा। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।